अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ये बायो की फिडो मशीन है, का मॉडल नंबर है BML928D2PL और ये जिंगजेन बायो सेविंग मशीन .com है। तो दोस्तों ये ब्रादर मॉडल में भी सबसे पहले आई थी और ब्रादर मॉडल की मशीन है ये। ये बस चाइना कंपनी अगर कोई मशीन बना रही होती है तो बॉडी वो बना लेती है और इसका जो पार्ट्स होता है वो ब्रादर वालों से परचेज़ करके इसके अंदर डाला हुआ होता है। तो दोस्तों इसका ये मेन शाफ्ट, अपर मेन शाफ्ट, जो निडल बार वाला मेन शाफ्ट है या क्रैंक शाफ्ट है, इसको किस तरीके से खोला जाता है तो मैं ये आज आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को अगर आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका अपर मेन शाफ्ट खोला जाता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका पुलर कनेक्टिंग रॉड ये हटा लेंगे और इसके बाद इसका हम बेस प्लेट, इसका जो पुलर बेस प्लेट है पूरा ये हटा लेंगे हम। तो ये कनेक्टिंग हम, इसका दो स्क्रू होता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा कनेक्टिंग अलग हो गया और ये हमारा पुलर बेस प्लेट को हम खोल लेंगे तो ये पुलर हमारा यहाँ से हट जाएगा। फिर इसके बाद हम इसका निडल बार शाफ्ट वगैरह निकालेंगे। तो दोस्तों ये चार स्क्रू पर टिका हुआ होता है, ये चारों स्क्रू को हमने आराम आराम से खोल लेना है और खोलने के बाद स्क्रू हम दोबारा उसी जगह पर लगा देंगे ताकि बाद में ढूंढने का मसला ना हो। दोस्तों इसके चारों स्क्रू को हमने निकाल लिया और निकाल के ये हमारा बेस प्लेट, कूलर बेस प्लेट हमारा हाथ में आ गया। ये ऐसे मूव हो रहा होता है तो हमारा कूलर का व्हील जो है वो घूम रहा होता है। तो इसके स्क्रू को हम दोबारा जगह पे फंसा देंगे। दोस्तों इसका हम क्लेम खोल लेंगे, ये हमारा जो निडल क्लेम है इसको हमने लूज करके बाहर निकाल लेना है और इसके बाद फिर हम इसका ये निडल बार ऊपर से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये क्लेम हमने बाहर निकाल लिया, अब इसका हम ये स्क्रू लूज करेंगे। ये निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसको हमने लूज कर लेना है और ये थ्रेड गाइड वाला जो स्क्रू है इसको भी हमने लूज कर लेना है। दोस्तों हमने इसका ये जो एडजस्टमेंट स्क्रू है व्हील के मदद से, व्हील को हम घुमा के ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ से शाफ्ट को दबा के रखेंगे, शाफ्ट को नीचे आने नहीं देंगे और फिर हम ये एडजस्टमेंट स्क्रू को टाइट कर लेंगे और टाइट करके फिर हम व्हील घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा और इस पीस को हमने ऐसे नीचे करते जाना, जो इसका थ्रेड गाइड है इसको हमने ऐसे नीचे करते जाना है ताकि ये भी साथ साथ निकलता जाए बाहर। तो अब हम इसको ऊपर से ऐसे आराम आराम से खींचते जाएंगे, इधर से हम ऐसे इसको खींचेंगे, हमारा ये शाफ्ट जो है निडल बार शाफ्ट बाहर आ गया और ये हमारा थ्रेड गाइड भी बाहर आ गया, इसको हम साइड में रखते हैं। दोस्तों काउंटर वेट कनेक्टिंग निकालने के लिए या काउंटर वेट को निकालने के लिए ये एक रबड़ यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम हटा लेंगे, ये सुराख है, यहाँ से स्क्रू दिखेगा। दोस्तों ये स्क्रू इसका सर जो है ये बुश के साइज़ का है और ये आपने इसका साइज़ देख के लगाना है, ना ज़्यादा बाहर हो ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, नहीं तो ये बुश के अंदर जाके फंस जाएगा। फिर हमने ऐसे ऊपर से एक कोई नट या कोई शाफ्ट रख के फिर ऊपर से हम चोट मारेंगे तो ये बुश बाहर निकल आएगा, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये बुश हमारा बाहर आ गया, तो आपने भी इसी तरीके से निकाल लेना, ये ख़राब भी नहीं होगा और इसी तरीके से आराम से बाहर निकल आएगा। दोस्तों इसका ये बूट प्रेशर पट्टी जो लगा हुआ है इसको हम लूज़ कर लेंगे ऐसे और ये बाहर निकाल लेंगे और नट इसका जो है वो हम यहीं पे फंसा लेंगे, इसको हम ऐसे बाहर निकाल के जगह पे रख लेंगे और नट को हम यहीं पे ऐसे फंसा देंगे। इसके बाद हम इसका बूट राड खोल लेंगे, जो ये हमारा बूट राड लगा हुआ है। दोस्तों ये इसका हमने स्क्रू खोल लेना है और ये दूसरा स्क्रू भी लूज़ कर लेना है और इसके राड को हम आराम आराम से इसे ऊपर खींचते जाएंगे और इनसे दोनों पीस से ये छुड़ाते जाएंगे तो हमारा ये राड बाहर निकल के आ जाएगा।
थोड़ा सा इसमें जंग वंग पकड़ लेता है तो जल्दी नहीं निकलने मांगता, हम पिलास से पकड़ के खींच लेंगे आराम आराम से। ये सपोर्टर ब्लॉक जो है हमारा, जो बूट बैलेंस ब्लॉक है ये है, और ये थ्रेड जो है हमारा, थ्रेड रिलीजिंग यानी कि जो हमारा यहाँ पे पट्टी लगा हुआ है ये इसको मूव करवा रहा होता है कि जब हम बूट उठाएं तो हल्का सा धागा लूज हो जाए। ये सिर्फ 928 में ये फ्यूचर है, वरना अगर 27 मॉडल देखेंगे तो 27 में ये फ्यूचर नहीं है। दोस्तों ये हमारा बूट रॉड बाहर आ गया है, ये दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें गैसेट के हिसाब से इसको पलट के भी लगा सकते हैं, साइड से भी ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं बूट के हिसाब से। दोस्तों ये काउंटर वेट पर हमारा दो स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने लूज़ कर लेना है और दूसरा भी लूज़ कर लेना है, और एक स्क्रू इसके अंदर और लगा हुआ होगा, ये यहाँ से ऐसे लगेगा, ये 3 नंबर की एलकी का 3 स्क्रू लगा हुआ है इसके अंदर, और ये तीनों स्क्रू जो हमारा निडिल बार कनेक्टिंग है उस पिन को पकड़ के रखता है। तो ये लूज़ करने के बाद फिर हम इसका ये निडिल बार कनेक्टिंग पिन जो है यहाँ पे लगा हुआ ये वाला, इसको हम निकाल लेंगे बाहर, जैसे हम खींचेंगे तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये भी सिंपल है, इसके अंदर दो वाशर लगा हुआ है इस साइड पर, और यहाँ पे एक बेरिंग लगा हुआ है, और ये पिन है। तो अक्सर ये पिन कट जाता है और बेरिंग भी टूट जाता है या कनेक्टिंग ये कट जाता है, इसके सुराख बड़े हो जाते हैं, तो हमने इसको चेंज करना होता है। तो आप इसी तरीके से खोल के चेंज कर सकते हैं। ये एग्जस्टिंग पिन जो है हमारा निडिल बार एग्जस्टिंग पिन, ये भी कट जाता है, या यहाँ से इसका स्लाइडर ब्लॉक जो है इसका ये वाला, ये भी अगर कट जाए, इसमें चाल आ जाए, तब भी निडिल बार में ऐसे ऐसे चाल आ जाता है। दोस्तों इसका ये काउंटर वेट का स्क्रू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सुराख के अंदर काउंटर वेट का स्क्रू लगा हुआ है, इसका काउंटर वेट भी हम खोल लेंगे। इसके अंदर दो स्क्रू होगा काउंटर वेट का, तो दोनों स्क्रू को हमने निकाल लेना बाहर। इसको दो चूड़ी हमने ज़्यादा लूज़ करना है, हो सकता है कि इसमें से ये कोई एक स्क्रू कट मार के ऊपर हो। दोस्तों काउंटर वेट का स्क्रू लूज़ करने के बाद ये हमारा शाफ्ट के बीच में एक स्क्रू लगा हुआ होता है, जो ऊपर से लगा हुआ है ये, इसको भी हमने लूज़ कर लेना है और बाहर निकाल लेना है। इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारा काउंटर वेट बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये पकड़ा नहीं रहा है, इसको हम नोक प्लास से खींच लेंगे और खींच के इसको बाहर निकाल, ये हमारा काउंटर वेट बाहर आ गया। अब हम इसका शाफ्ट बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक पोलर केम हमारा लगा हुआ है, ये सिर्फ 928 2PL जो मॉडल है उसके अंदर है, वरना जो हमारा सिर्फ 2PL मॉडल जो है सिर्फ 2 नहीं लगा हुआ होगा उस पर, यहाँ पे एक डब्बे वाला पूलर लगा हुआ होता है और एक राड ऐसे लग के यहाँ पे ये यह हमारा पूलर चल रहा होता है। तो इस मशीन के अंदर पूलर मशीन के अंदर ही फिक्स है, तो ये हमारा राड जो लगा हुआ है ये पूलर को चला रहा है, और इसको हम खोल लेंगे और खोलने के बाद फिर इसका शाफ्ट बाहर निकालेंगे। दोस्तों पूलर का टाके का एडजस्टमेंट अगर करना होगा तो ये हमारा एडजस्टमेंट लीवर लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, इन दोनों से हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो इसका टाके का एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये हम एडजस्टमेंट स्क्रू इसका निकाल लेते हैं बाहर, और निकाल के इसको आज़ाद कर लेते हैं ताकि हम इसका शाफ्ट को खोल सकें। तो दोस्तों इसके पुर्जों को आपने संभाल के रखना है, और जब आप इसको खोल रहे हो तो औज़ार अच्छा इस्तेमाल करें ताकि इसका स्क्रू वगैरह ख़राब ना हो जाए, अगर ख़राब हो जाएगा तो ये खुलेगा नहीं, फिर आपको काटना पड़ेगा इसको। तो ये हमारा कनेक्टिंग खुल गया है, और इसके बाद हम इसका ये रबड़ निकाल लेते हैं, रबड़ निकाल के अंदर से स्क्रू भी खोल लेते हैं। दोस्तों ये हमने इसका रबड़ ऐसे निकाल लेना है, दोनों साइड पे हमारा ये रबड़ लगा हुआ है, ये हमने निकाल लिया। इधर आपको इसके स्क्रू दिख जाएंगे, व्हील घुमाएंगे तो ये आपको एक स्क्रू दिख रहा है जिसके भी ऊपर कट मार्क होता है, तो आपने इसका कट मार्क दिख लेना है। मेरे हिसाब से ये वाला स्क्रू कट मार्क पे होना चाहिए, कट मार्क को देख के आपने दिमाग में रख लेना है कि कौन सा स्क्रू कट मार्क पे है, ताकि फिट करते वक्त आपको आसानी हो। दोस्तों ये ऐसे ही सेम जो मॉडल है ये
ऐसे ही मॉडल जोकी में आता है, उस पर भी ऐसे ही गेम लगा हुआ होता है। तो कट मार्क तो इसमें दिख नहीं रहा है कोई भी, ये कहीं पे भी हम इसको एडजस्टमेंट करके मशीन के टाके के हिसाब से और टाइट कर सकते हैं। तो ये मैंने लूज़ कर लिया, लूज़ करने के बाद अब इसका व्हील वाला हिस्सा ये खोलते हैं। दोस्तों ये हमारा एक ऑयल गिलास लगा हुआ है, यहाँ से हम स्क्रू को लूज़ करके बाहर निकाल लेते हैं और इसके अंदर ऑयल भर के इसको टाइट कर देते हैं। तो हमारा जो ऊपर वाला शाफ्ट है इसके अंदर ऑयल जाना शुरू हो जाता है, तो इससे मशीन ठंडी रहती है। तो इसको हमने खोल लेना है, खोल के बाहर निकाल लेना है और इसके बाद फिर हम इसका व्हील खोल लेंगे। व्हील के अंदर 3 नंबर की 2 स्क्रू लगी हुई होगी एल की, इसको हमने खोल लेना। ये हमारा व्हील भी खुल गया। अब हम इसका ये प्लेट खोलेंगे, जो पूलर कवर प्लेट है हमारा ये वाला, ये खोलेंगे। तो सो ये इस पर 2 स्क्रू लगा हुआ होता है, इसको भी हमने निकाल लेना बाहर। तो ये इसका 2 स्क्रू खोल के ये हम इसका कवर प्लेट बाहर निकाल लेंगे। स्क्रू को हम दोबारा जगह पे अटका लेंगे फ़िलहाल के लिए, ताकि हम दोबारा जब फिट करें तो फिट करना आसान हो जाए। दोस्तों इसका ये मोटर खोल के उतार लेंगे अब हम। दोस्तों इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे तो हर एक चीज़ आसानी से खुल जाएगा और ना ही टूटेगा आपसे। तो इसको आपने इसी तरीके से, जैसे मैं इसका ये कवर बाहर निकाल रहा हूँ, ऐसे आपने आराम आराम से खींच के ऐसे बाहर निकाल लेना। ये स्प्रिंग के ऊपर रुका हुआ होता है, ये यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ चारों साइड पर, इसके ऊपर रुका हुआ होता है। तो इसके बाद फिर हम इसका मोटर उतार लेते हैं। दोस्तों इसके मोटर को हमने 4 स्क्रू को निकाल लेना है। दोस्तों ये हमने इसका 4th स्क्रू खोल लिया है और इसका मोटर एक कपलिंग के साथ इधर रुका हुआ होगा, तो इसको ऐसे पकड़ के हमने खोल के इसके स्क्रू को बाहर निकाल लेना और मोटर को हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा कपलिंग लगा हुआ होता है यहाँ पे। तो हमें इसका मोटर को भी साइड में रख देना है। दोस्तों फिलहाल हम इसके व्हील को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे ताकि हम शाफ्ट को मूव करवा सकें। इसके व्हील को हम यहाँ पे फिलहाल के लिए टाइट कर रहे हैं ताकि हम इस शाफ्ट को ऐसे घुमा के इसके बेल्ट को उतार सकें। इसके बेल्ट को हम ऐसे उतार लेंगे। इसे घुमा घुमा के हमने इसके बेल्ट को उतार लेना। उतारने के बाद फिर इसका ऊपर वाला शाफ्ट हम निकालेंगे। अब इसका व्हील हम दोबारा खोल लेंगे। हमने इसका व्हील निकाल लिया। इसका ये गियर वर्म निकाल लेंगे। बेल्ट हमारा ये हाथ में आ गया है, बेल्ट बाहर आ जाएगा इसे, और ये गियर वर्म खोल के निकाल लेंगे तो हमारा ये शाफ्ट आज़ाद हो जाएगा। फिर हमने लूज़ कर लिया एक स्क्रू इसका, और दूसरा भी हमने ऐसे लूज़ कर लेना और लूज़ करके इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये कट मार्क होता है एक स्क्रू इसका। तो ये हमारा गियर वर्म है, ये बारीक दांत वाला है, ये न्यू मॉडल में ऐसा आया है, पुराने मॉडल में चौड़े चौड़े दांत वाला होता था। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। दोस्तों ये बेरिंग को और शाफ्ट को रोकने के लिए ये एक रिंग जैसा प्लेट बन के लगा हुआ है यहाँ पे, ये 3 स्क्रू पे रुका हुआ है, इसको हमने निकाल लेना है बाहर। 3 स्क्रू उसका खोल के बाहर निकाल लेना है ताकि हमारा ये शाफ्ट फ्री हो जाए और इसको निकालना आसान हो जाए। इसके मैंने 3 स्क्रू को खोल लिया है और इसका ये रिंग प्लेट जैसा बना हुआ जो है ये भी हमारे हाथ में है। दोस्तों ये एक कॉलर बुश बन के लगा हुआ है, जो हमारा वर्म यहाँ पर लगता है बेल्ट टाइमिंग जिससे सब चल रहा होता है, तो इसको यानी कि ज़्यादा अंदर नहीं जाने देता, थोड़ा सा इस तरफ करके रखता है। तो ये कॉलर भी हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसका शाफ्ट अभी आज़ाद है, इसके शाफ्ट को निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब ये सिर्फ बेरिंग पे अटका हुआ है। इसको मैं चोट मार के निकालने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये हमारा टेंशन ब्रेकेट लगा हुआ है, जो निडिल बाहर के धागे को केम के हिसाब से लूज़ और टाइट करता है। तो इसको हमने लूज़ करके बाहर निकाल लेना है, फिर हम इसके शाफ्ट के ऊपर चोट मारेंगे तो शाफ्ट बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा पीस इस तरीके से इधर से इस पीछे केम इसको दबा रहा होता तो ये ऐसे मूव कर रहा होता।
ये फ्यूचर यानी कि 928 में आया है और इससे पहले वाले मॉडल में ये चीज़ नहीं था। दोस्तों ऐसा कोई एक नट ले लेना है जिसका सर ऐसे टेपर में हो और इस जगह पे हम शाफ्ट पे रख के और चोट मारेंगे तो ये हमारा शाफ्ट बाहर निकल आएगा। ऐसे ये आगे की तरफ से बाहर निकलेगा और ये हमारा केम वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको भी चेक कर लेना ताकि ये भी आराम से बाहर निकल आए, इसका कनेक्टिंग टूट ना जाए। दोस्तों एक एलगी के स्क्रू के ऊपर हमने ऐसे एलगी को फंसा के और इसको ऐसे शाफ्ट को हम इधर से धक्का देते जाएंगे आगे और आगे से हमारा शाफ्ट बाहर आ जाएगा। ये हमारा शाफ्ट बाहर आ गया है और ये हम केम भी इसका बाहर निकाल लेंगे यहाँ से ऐसे। ये हमारा पूलर केम है तो हमारा फिडो का मेन शाफ्ट जो ऊपर वाला वो बाहर आ गया। दोस्तों ये हमारा मेन शाफ्ट है, ये इसी तरीके से मशीन के अंदर लगा हुआ होता है, ये हिस्सा आगे आता है और ये हिस्से पे व्हील हमारा फिट होता है, हैंड व्हील, और इस जगह पे हमारा ये केम लगा हुआ है और इसके एक स्क्रू कट मार्क पे होता है तो ये हमारे धागे को लूज़ और टाइट कर रहा होता है। जो हमारा टेंशन पे पोस्ट ब्रैकेट लगा हुआ होता है इस जगह पे, इसको ये ऐसे पुश कर रहा होता है और छोड़ रहा होता है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी अपर मेन शाफ्ट निकालने के हवाले से। इंशाल्लाह भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो इसका नीचे का लूपर मेन शाफ्ट किस तरीके से निकाला जाता है तो वो बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें और मेरा यूट्यूब चैनल पे अगर आप में से कोई भाई नया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।